नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे पॉलीकैब शेयर के लेटेस्ट न्यूज के बारे में। दोस्तों, अभी अभी पॉलीकैब के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए हैं, तो कैसे हैं नतीजे उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों, शार्प स्पाइक आया है पॉलीकैब के शेयर में करेंटली, तो लाइव ट्रेडिंग हो रही है। तो दोस्तों, करंटली क्या टारगेट बन सकते हो, क्या स्टॉप लॉसेस लगा लें जिससे हमें श्योर शॉर्ट प्रॉफिट हो। तो चलिए दोस्तों, हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ा करें, उसके बाद ही कोई ट्रेड इनिशिएट किया करें। यहाँ पे हम लोग चलेंगे दोस्तों, ये देख सकते हैं आप दोस्तों, शार्प स्पाइक आया है लगभग 2141 से। ये शेयर लगभग लगभग पहुंच चुका है 2252 के लेवल पे। क्यों आया स्पाइक, इसके पीछे दोस्तों रीजन है रिजल्ट। रिजल्ट दोस्तों काफी शानदार बताए जा रहे हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं बीएससी की साइट पे दिखाया है, और हम लोग इनके कंसोलिडेटेड रिजल्ट पर फोकस करें। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे टोटल इनकम 27809 मिलियन की रही है, जो कि ईयर ऑन ईयर अगर आप देखते तो लगभग 50% के आसपास का जंप है। वही दोस्तों, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे एक डिप नजर आता है लास्ट क्वार्टर से। तो डेफिनेटली यहाँ पे ईयर ऑन ईयर कंपनी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, और काफी करेक्टेड रेट पे मिल रहा है, और एफआईआई का काफी फेवरेट शेयर। और जिस तरह की एफआईआई की बाइंग हो रही है, यहाँ पर पॉलीकैब में और भी बिग टारगेट हो सकते हैं। टोटल एक्सपेंसेस भी इस क्वार्टर में थोड़े से ज्यादा है ईयर ऑन ईयर, तो डेफिनेटली प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस जो रहा है 2947 का रहा है, जो कि अगर हम लास्ट ईयर से देखते हैं तो प्रॉफिट में करीब 400% का आसपास का जंप। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा डिप नजर आता है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो नजर आता है वो 2225 की है, जो कि लास्ट ईयर 752 का था, तो वहां से लगभग 3 times प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। तो प्रॉफिट में बहुत ज्यादा जंप देखा जा रहा है, इसी वजह से देखा जा रहा है। तो ईयर ऑन ईयर जो अर्निंग पर शेयर है 27 से बढ़ के 83, यानी 3 times से भी ज्यादा अर्निंग पर शेयर हो चुके हैं। तो ओवरऑल दोस्तों आप कह सकते हैं कि यहाँ पर काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं, और ये दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर 3 times से ज्यादा हो चुके हैं, 4.96 मुकाबले 14.70। तो रिजल्ट कंसोलिडेटेड बेसिस पर बहुत शानदार है, और हर एक सेगमेंट में ग्रोथ देखी जा रही ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। लेकिन दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिल रहा है रिजल्ट। तो थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करें, और जो भी स्टॉप लॉसेस को ट्रेल जरूर करते रहें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम स्टॉप लॉसेस लगाएं तो अब यहाँ से पोजीशन बनानी है, तो डेफिनेटली यहाँ से जो पोजीशन बना के चलनी है, स्टॉप लॉसेस हम लोग को 2060 के आसपास का लगा के चलना है, और टारगेट पहला जो लेके चलना है वो हमें 2563 और 2791, यानी 2800 तक के टारगेट आ सकते हैं। यही एक एफएमसीजी शेयर था जिसमें मूव नहीं देखा गया, और करंटली आपको बहुत सस्ते रेट पे मिल रहा है, 2225 पे करीब है, और यहाँ पे 2040 का स्टॉप लॉसेस लगा। इंट्राडे के लिए अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो स्टॉप लॉसेस काफी डीप है दोस्तों, 2150 के अराउंड है, और अपसाइड लगभग 2280 के करीब है। तो ध्यान रखें और उसी अकॉर्डिंग आप बाई करें। तो ये थी दोस्तों एनालिसिस, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो हमारे टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक जरूर जुड़ें। थैंक यू दोस्तों।